चलती ट्रेन में मिला युवती का शव, शव की हुई पहचान। लखनऊ से वाराणसी जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस में एक युवती का शव बोरे में बंद देखा गया। उसकी बर्बरता पूर्वक हत्या कर उसके हाथ पैर को बांधकर ट्रेन में शौचालय के पास रख दिया गया था। आखिर कौन है वह हत्यारा जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया? आगे की खबर के लिए हमारे साथ बने रहें। प्लास्टिक के सफेद बोरे में रखकर उसे जूट वाले बोरे में रखा गया था। आने जाने वाले यात्रियों को इस बात की भनक तक नहीं लग पाई। जब शव से दुर्गंध आने लगी और ट्रेन से सभी यात्री उतर गए, तब जाकर हुआ मामले का खुलासा। परिजनों को जब शव होने की जानकारी मिली, तब युवती के चाचा और मामा ने शव देखकर उसकी शिनाख्त की। परिजनों के मुताबिक मृत युवती 19 फरवरी के दिन अपने पास में ही सहेली के पास किताब लेने की बात कहकर निकली थी। उस दिन से ही परिजन उसकी खोजबीन कर रहे थे, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं लग पाई। युवती का नाम मोनिका था, जो कस्तूरबा बालिका विद्यालय में 11वीं की छात्रा थी। मोनिका पाल ग्राम भिटकुरी पोस्ट सेवापुरी जिला वाराणसी की रहने वाली थी। 16 वर्षीय किशोरी मोनिका पाल की हत्या के बाद शव बोरे में बंद कर लखनऊ वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 15108 के जनरल कोच में रख दिया गया। इसकी जानकारी 20 फरवरी मंगलवार देर रात करीब 12:40 बजे बनारस स्टेशन पर तब हुई, जब रेलकर्मी ट्रेन के कोच के दरवाजे बंद करने पहुंचे। बुधवार 21 फरवरी की देर शाम किशोरी के चाचा और मामा ने फोटो देखकर शव की शिनाख्त की। मंगलवार रात लगभग 8 बजे लखनऊ से आकर ट्रेन बनारस स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़ी हुई। इसके घंटों बाद रेलकर्मी कोचों के दरवाजे और लाइट बंद करने पहुंचे तो जनरल कोच में शौचालयों के बीच गैलरी में बोरा पड़ा देखा। उसका कुछ हिस्सा गीला था, दुर्गंध उठ रही थी। कर्मचारियों ने स्टेशन मास्टर और संबंधित अधिकारियों को सूचना दी। मौके पर आरपीएफ इंस्पेक्टर परमेश्वर कुमार और जीआरपी चौकी प्रभारी धनंजय मिश्रा पहुंचे। बोरे को खोला गया तो उसमें किशोरी का शव मिला। प्लास्टिक के सफेद बोरे में शव को बांधकर जूट के बोरे में रखा गया था। बाएं पैर में काला धागा बंधा हुआ था। रस्सी से हाथ पैर एक साथ बंधे थे और सिर को पॉलिथीन से ढका गया था। कुछ ही देर के बाद जीआरपी इंस्पेक्टर हेमंत सिंह और क्षेत्राधिकार कुंवर प्रताप सिंह भी मौके पर पहुंचे। मौके पर फोरेंसिक टीम ने जांच की। बुधवार रात 8 बजे किशोरी के शव की शिनाख्त भिटकुरी निवासी मोनिका पाल 16 वर्ष के रूप में हुई। किशोरी के पिता पुनवासी पाल वाराणसी में पेट्रोल पंप पर नौकरी करते हैं। कैंट थाने पहुंचे किशोरी के चाचा और मामा ने फोटो से शिनाख्त की। जीआरपी इंस्पेक्टर का कहना है कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। आगे की खबर खुलासा होने के बाद दे दी जाएगी।